सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो और अर्न मनी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन टेक्निकल गुरु के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज आप सभी को बताना चाहूँगा, गूगल की तेज एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, सेम एज UPI एप्लीकेशन ये है और ये गूगल की तरफ से आई है, हमारे भारत के लिए लॉन्च हो चुकी है। अब हम कोई भी काम कर सकते हैं गूगल की इस तेज एप्लीकेशन के द्वारा, किसी को भी पे कर सकते हैं, मनी किसी से ले सकते हैं। और दूसरी अच्छी बात ये है कि यहाँ से हम जैसे ही साइनअप करते हैं तो डायरेक्टली हमारे बैंक में सीधा हमें मिल रहे हैं 51 रुपीज़, यानी 51 रुपीज़ सीधे हमारे बैंक अकाउंट में। तो ये कैसे मिलेंगे और क्या हमें इसके लिए करना पड़ेगा, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो गाइस देखते रहिए वीडियो। तो गाइस देखिए, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है गूगल तेज, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, साथ में कमेंट बॉक्स में सबसे टॉप पे मिल जाएगा। आप उसी लिंक से कीजिएगा, क्योंकि आप किसी के रेफर से करेंगे तभी आपको ये ऑफर अप्लाई होगा और आपको 51 रुपीज़ मिलेंगे। तो अभी देखिए, गूगल तेज की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है और उसे ओपन कर लेना है। इसका लोगो आप देख सकते हैं, गूगल तेज, और उसके बाद में आपसे मांगेगा लैंग्वेज। अभी ये 7 लैंग्वेज हैं जो इंडियन 7 लैंग्वेज हैं वो, तो अभी के लिए मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद में आगे कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद हमसे अपना मोबाइल नंबर मांगेगा, तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया है, उसके बाद में हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे करता हूँ तो अलाउ का ऑप्शन आएंगे, तो अलाउ कर लेते हैं। ठीक है, अलाउ करते ही हमारे सामने मेल आईडी आ जाएगा और हमें अपना मेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपनी मेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में कंटिन्यू करता हूँ। तो कंटिन्यू करके OTP सेक्शन पे आ जाएगा और आपके फ़ोन में सिम, वो यहाँ ध्यान देना है आपको, जो फ़ोन नंबर डालना है वो आपके बैंक अकाउंट अटैच होना चाहिए, जो वेरीफाइड है और आप बैंक अकाउंट इससे अटैच होना जरूरी है, क्योंकि ये UPI ऐप है और UPI ऐप इसी पे बेस पे वर्क करती है। तो हमारा OTP सेक्शन वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में ये गूगल तेज बोलता है कि आपको एक पिन सेलेक्ट करना है, कि आप लॉक स्क्रीन, जो आपका फ़ोन का लॉक स्क्रीन है वही रखना चाहते हैं या फिर अलग से पिन क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं अभी के लिए लॉक स्क्रीन ही रखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में देखिए, ये हमसे अपना पिन मांग रहा है, तो मैं अपना जो भी पिन है वो डाल दे, बाद में नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करते ही आप देखिए, आपके सामने ये आ गया है और ऊपर मेरा नाम दिखा रहा है, चैनल का नाम अपना दिखा रहा है, इंडियन टेक्निकल गुरु, ठीक है, और सारी चीज़ें आ गई हैं। और ये इसका है, अभी देखिए जो इसमें ऑफर चल रहा है वो ये चल रहा है, आप ऑफर के अंदर जाएंगे तो 50 इनवाइट फ्रेंड पर 51 मिलेंगे दोनों को, यानी 51 जो इनवाइट करेगा उसे और जो इनवाइट होगा, जो ज्वाइन होगा उसको 51। तो ये है, इस डिटेल्स में आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ऑफर जो है 1 अप्रैल तक है। ऑफर के लिए आपको देखिए एक रुपीज़ से ऊपर, यानी कोई भी एक ट्रांजेक्शन करनी होगी तेज एप्लीकेशन से, तेज एप्लीकेशन, तो आपका कोई फ्रेंड तेज एप्लीकेशन यूज़ करता है तो वहाँ कर दीजिएगा। नहीं, मैं अपनी तेज की UPI जो आईडी है वो नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और साइड में मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ साइड में, तो ये भी आप डाल दीजिएगा और इसमें 1 रुपीज़ आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको 1 रुपीज़ सेंड वापस कर दूँगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी तो मैं इन्हें ट्रांसफ़र करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप 1 रुपीज़ अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वहाँ कर लीजिएगा, नहीं है तो आप यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि 1 रुपीज़ करने की ट्रांजेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए गाइज मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं इसे वापस कर दूँगा, फिर भी हो सका तो मैं वापस करने की कोशिश कर दूँगा। तो अभी देखिए आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली यहाँ देखिए टैप टू कैश मोड पे है ऑप्शन, सारी चीज़ें। सबसे पहले आपको आपका बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है, उसके लिए आपको ऐड टू बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है, जैसे देखिए ये दिखाई दे रहे हैं। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है जो भी है। तो मेरा बैंक जो है वो है PNB, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ पंजाब नेशनल बैंक, और उसके बाद में अलाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो अलाउ करने के बाद भी ये मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन सी सिम है जो आपके बैंक से अटैच है, तो मेरी आइडिया वाली सिम जो है वो बैंक से अटैच है, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो जैसे करती है आपके जो सिम है वो 1 रुपये होना चाहिए, जिसका ये चार्ज लेगा, ठीक है, और उसके में आपको ये करना है और ये सिक्योरली आपका जो भी बैंक है वो सेलेक्ट कर लेगा यहाँ से। तो अभी
तो गाइस देख सकते हैं आपके सामने मेरा अकाउंट जो है वो आ चुका है, जिसका लास्ट में है 3699। और यहाँ पर मेरी UPI ID जो मैं आपको स्क्रीन पर भी शो कर रहा हूँ, इंडियन टेक्निकल गुरु @OKICICI, ठीक है। इसके ऊपर आपको 1 रुपीज सेंड करना है ताकि आपका 51 रुपीज़ है वो हो जाए और आपको जो 51 रुपीज़ मिल जाएँ, ठीक है। तो अभी देखिए आपके सामने इसमें UPI ID आपको बनानी पड़ेगी। तो UPI ID आ गया है। अगर आपने पहले से कोई UPI यूज़ कर रहे हैं तो उसका UPI पिन यूज़ कर दीजिएगा, नहीं कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करके आपका जो डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट और जो एक्सपायरी डेट है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं पहले से यूज़ करता हूँ UPI, और आप भी लगभग सभी लोग करते होंगे क्योंकि हम भीम, फ़ोनपे, बहुत सारी एक्सिस बैंक UPI, तो बहुत सारी UPI यूज कर चुके हैं, तो सेम UPI पिन रहेगा। तो मैं अपना UPI पिन यहाँ डाल के आगे का प्रोसेस करते हैं। तो भाई देख सकते हैं मेरा अकाउंट एडेड हो चुका है और अब मैं किसी को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और मुझे 51 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो चलिए जो मेरा एक फ्रेंड है तो मैं उनको एक बार 51 रुपीज़ ट्रांसफ़र करके देखता हूँ और देखते हैं कि पैसे अभी इंस्टेंट मिलते हैं या फिर 24 आवर्स में मिलते हैं। तो गाइस ये मेरे फ्रेंड हैं नितेश अग्रवाल, नितेश NK टेक्निकल गुरुजी। तो इनकी मेल आईडी वगैरह है तो मैं इनको अभी के लिए 1 रुपीज़ पे करता हूँ के देखता हूँ। आप भी 1 रुपीज़ पे कर दीजिएगा, मैंने अपनी UPI आईडी आपको स्क्रीन में दे दी है साइड में, ठीक है। तो अभी हम देखिए यहाँ करते हैं और उसके बाद में जो मेरा अकाउंट आ गया है, आपका अकाउंट नहीं आएगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने ऐड कर लिया है तो आपका अकाउंट यहाँ आ जाएगा और उसके बाद में प्रोसेस टू पे करना है आपको, और उसके बाद में आपसे आपकी जो UPI पिन ID है वो मांग लेगा। तो मैं इसे फिल करता हूँ और आगे आपको बताता हूँ। तो ये मैंने डाल दिए और ये देखिए वेटिंग फॉर बैंक आ रहा है और अभी मेरे बैंक से ये 1 रुपीज़ डिडक्ट करके नितेश अग्रवाल जी को सेंड कर देगा। तो आप देख सकते हैं ये 1 रुपीज़ पेड कर दिया है इन्होंने नितेश अग्रवाल जी को। तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारा जो यहाँ पर बैक करते हैं। तो ये देखिए तो गाइज अभी यहाँ शो नहीं कर रहा है, बट आपको है ना विदिन 24 से 48 आवर्स के अंदर आपका जो 51 है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफ़र कंफर्म है, चल रहा है, आप ऑफ़र्स के अंदर जाकर देख सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा आप किसी के लिंक से डाउनलोड करेंगे तभी ये ऑफ़र आपको शो होगा, नहीं शो भी नहीं होगा। तो आपको सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में है या फिर अपना कोई भी फ्रेंड है उससे आप लेकर करिए ये ऑफ़र को कम्प्लीट, ठीक है। क्योंकि इन्होंने सीधा सीधा टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज़ लिखी हुई है कि आपको किसी ना किसी लिंक से डाउनलोड करना होगा तभी आपका रेफरल मान्य होगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं और ऑफ़र को कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही और बहुत सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं अर्न मनी से रिलेटेड टैक वीडियोज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और आपका कोई सवाल या सुझाव है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में राय देने की दीजिएगा, पूरा आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो गाइज मिलता हूँ एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।